मल्लिका दीदी, इसीलिए इसीलिए मैंने हरमन जी को नहीं रोका था आपके मोबाइल से नंबर लेने में। यदि हरमन और सौम्या एक दूसरे के लिए ही बने, सही मानों में वही उसका रखवाला। पर सवाल यहाँ तराना का है, कब तक वो ऐसे पिसती रहेगी? और दूसरी तरफ रितु को देखो, तुम्हारे सामने उसने खुद आके हमें पासपोर्ट दिया और वहाँ वहाँ ऐसे पेश आ रही थी जैसे कुछ पता ही ना हो। तो आपने उसे कुछ बोला क्यों नहीं? कोई फायदा ना होता, कोई फायदा ना होता। पूरी रात भी अगर कोशिश करोगी तो भी ये रस्सी नहीं खुली। बेहतर होगा कि तुम सो जाओ। गुड नाइट। घर के सियापों से मन हटाने के लिए टीवी शीवी देखने लगे हो? तो और की करा, दवार से सर पटकना शुरू कर दवा, टेंशन ले लवा, मर जावा। मैं फिल्म पूरी नहीं देखी, अद्धी देखी। सोनी तो ठीक है, लेकिन जिले भी मैं उन आशक नू देखना ना, महिवाल नू, और मैनू अपना हारमनी उधर अंदर नजर आता है यार। मैनू पता है ए लव स्टोरी दा ए कार बच्चा कहानी होता है, एदा अंत बड़ा खराब ही होता है। बावला सिर्फ हमारा पुत्र थोड़ी ना है। ऐसा में अभी कम पागल है, पूरी की पूरी पागल। मैं कुछ समझा नहीं, लेकिन तू कहना की चाहिए था। ये जो सौम्य है, ये हरमन के लिए बिकने को तैयार हो। अब सौम्य तो ये बात जानती है, हरमन से ज्यादा प्यार करने वाला उसे कभी कोई नहीं मिलेगा। फिर भी वो हरमन के लिए बिक कर किसी और के साथ जाने को क्यों तैयार है? की कह रही है प्रीत, मेरे पले नहीं कुछ प्यारे है। एक कहानी से केड़ा नवा ट्विस्ट लगा है। इश्क प्रेम की कहानी है, प्यार है अनोखा प्यार। अब हरमन का प्यार तो सौम्या के लिए कम होने से रहा, सौम्या का ही प्यार हरमन के लिए बढ़ने। और मैं समझ रही हूँ कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई गल नहीं, मैं हूं, धीरे धीरे सब समझ जाओ। हाँ फिर ठीक है, ये तू हाथ बैठी। परविंदर, इस घर से ना वो हरमन सौम्या का नाटक ना कदे खत्म ही नहीं होने वाला है। और माँ बाबू जी, वो तो उनसे कभी नहीं निकलने वाले। इसलिए कुछ ऐसा काम करो कि हम इस घर से निकल ही जाए। वैसे भी माँ बातों बातों में 50 बार बोल चुकी कि एक बार बेटी की शादी के बाद उसका उसके मायके पे कोई हक नहीं होता। इसलिए कुछ ऐसा काम करो कि इन सियापों से हम दूर हो जाए। क्या कर रही हो? थोड़ा धीरे बात करो ना, चिंटू सो रहा है, सुनेगा तो क्या सोचेगा? धीरे नहीं, क्योंकि अब दूसरी बार मैं बोलूंगी ही नहीं। माता रानी जी, जिसके माँ बाप पैसे हों वो बच्चा क्या करे, आप ही बताइए। सिर्फी खाली फोन बेटा। हेलो। हेलो सुरभि मामी, आप जल्दी से आ जाइए, सौम्या मामी आ गई है। सौम्या मामी को आपकी जरूरत है। बताओ क्या हुआ वहाँ पे? सुरभि पुत्र, लुकी हुई है। ओ क्या हुआ, ओ किथे जा रही है तू? सुरभि,
देखिए अरक सिंह जी, सरकार ने सारे टैक्स खत्म करके सिर्फ एक ही टैक्स बनाया है जिसे GST बोलते हैं। सो अब आप उस हिसाब से सारे अकाउंट्स ठीक करने होंगे वरना आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। सरकार ने मैंने पूछ के दस्ते सी GST CST। सोमुदी दी, अरे सुमी तुम यहाँ, सब ठीक तो? हरमन जी भी कहाँ हैं? मुझे मिलना है उनसे। अरे सीए साहब, फिलहाल रिश्तों के वही खाते सुधारने, फैक्ट्री के बाद में सुधरते रहेंगे, समझाओ अभी। ठीक है, आप मुझे बाद में फोन करके बुला लीजिएगा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सौम्या, सौम्या, सौ, ये क्या पागलपन है? हाँ, मैं किसी की बहन नहीं। मैं एक किन्नर और किन्नरों के कोई रिश्तेदार नहीं होते। कुछ लोग ये बात नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए मुझे यहां जबरदस्ती बांध के रखा है। दी, क्या बात है? हाँ, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए ना, हम मिलकर सॉल्व करेंगे ना। मुझे बोलिए, हम बात करते। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, ना किसी से कुछ कहना है और ना ही सुनना है। मुझे मेरी दुनिया में वापस जाना है, क्योंकि इन चार दीवारी में मेरा दम घुटता है। छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए। लो जी, एक और नया ड्रामा। इसी बात का डर था। अब तो लोगों को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, रोज कुछ ना कुछ नाटक करना ही है इसे। अब तो लोगों को खुद ब खुद ही समझ जाना है कि हरक सिंह की बहू एक हिरन। एक काम कर, सामान मान ले तू। हरक जी, मैंने लगता है कि इनका दाना पानी यहां पर अब खत्म हो चुका। क्यों वीर जी, अभी चली हो गई है, ऐसे कुछ भी बोलती रहती है। तुसी ना, तुसी सीरियसली ना लो। ये क्या कर रहे हैं आप? चुप, बिल्कुल चुप। मैं जो भी करूंगा तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, पूरा हक है मुझे।
तुम सजाने और संवारने का या फिर तुम्हारी शक्ल बिगाड़ने का, तो जितना कहा गया है उतना करो। सब कुछ बर्दाश्त करना होगा तुम्हें। गुलाम हो, गुलाम की तरह रहो। समझी? सुरभि, सोनिया, तुम्हारे बिना घर घर नहीं लगता है। सुरभि, प्लीज घर वापस चलो ना। नाटक मत करो भरो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। सड़क पर रह लूंगी पर तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों, कोई टीवी सीरियल चल रहा है? सबको अपने अपने ड्रामे की पड़ी, अपने घर जाओ। हाँ सोनियो, देखो ना, हरमन और सौम्य भाभी के बीच में सिचुएशन कैसी भी पड़ी है, तुम्हें जो मुझसे प्रॉब्लम है हम घर चलकर बात करते हैं ना। बोल दिया ना, नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। ले जाए इसे। चलो सुरभि। क्या बदतमीजी है? हरमन, ये मियां बीवी के आपस की बात, तू बीच में क्यों पड़ रही? नहीं मामा, वरुण मामा बहुत गंदे हैं। इन सब नए सुरभि मामी को बंद करके रखा था एक कमरे में। फिर इनके पापा आए, फिर सुरभि मामी को लेके चले गए वो। सुरभि, चिंटू सच कह रहा है? सुरभि, चिंटू सच कह रहा है, हाँ या नहीं? जी। पर वीर ऐसी बात, सफाई नहीं मांगा इसलिए सिर्फ चांटे मारे। क्या लगती है तेरी? वतन प्यार करता है तो प्यार निभाना सीख। इसे घर लेकर जा और पत्नी की तरह रख। और सुन, अगली बार अगर मैंने ऐसा कुछ सुना तो इस बार सिर्फ चांटे मारे। अगली बार बिना कुछ सवाल जवाब की हड्डियां तोड़ना शुरू कर दूंगा। सुरभि, दोबारा इसने अगर ऐसा कुछ किया तो सबसे पहले तुम मुझे। जा, घर लेके जा इसे। अपने कमरे में आराम करो जाके। तुम्ही लोगों का लिखा हुआ ड्रामा है ये। हमेशा ये जानने की एक्साइटमेंट क्यों होती है कि अब क्या होगा। जाओ लिखो, आगे का ड्रामा लिखो जाके। हाँ
जी मनिंदर जी, सौम्या बहू घर आ चुकी और सुरभि अभी अभी अपने पति के साथ यहाँ से निकली। सब चंगा है जी। मैं पूरी दुनिया को ये नहीं बता सकता कि तुम एक किन्नर हो। तराना के लिए कौन बोली लगाएगा? 5 लाख बाट, 7 लाख बाट, 7 लाख 1, 7 लाख 2। नहीं नहाना है मुझे, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यहां रहना ही नहीं है। नहीं नहाना, नहीं नहाओगी तुम? नहीं नहाओगी? नहीं नहाओगी? बिल्कुल नहीं नहाओ, ठीक, मत नहाओ।